Now, as the program goes, now we start with our students. It's turn of our students to speak. So we start with Ananya. Yes, Ananya. 7A, Ananya Dakar, let's hear what you have to ma'am. Say with all of us. Okay, ma'am. Start. नमस्कार, मेरा नाम अनन्या धाकड़ है और मैं आपके सामने गणतंत्र दिवस पे एक भाषण देने जा रही हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी अध्यापक गण और मेरे प्यारे मित्र, आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस वर्ष हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन लगे। यह संविधान ही है जो सभी जाति व वर्गों के लोगों को जोड़ के रखता है। 1955 में गणतंत्र दिवस पर पहली परेड का आयोजन किया गया था। गणतंत्र दिवस में भारत के राष्ट्रपति द्वारा तिरंगे को फहराया जाता है, सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाता है और तिरंगे को सलामी दी जाती है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर इस भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। अंत में मैं यही कहूंगी, हर तरफ लग रहा है जय हिंद का नारा, लिए हाथ में तिरंगा झूम रहा है देश ये सारा। आया है राष्ट्रीय पर गणतंत्र हमारा नमन है माँ भारती तुझे, नमन है माँ भारती तुझे, दिया है पर्व प्यारा, दिया ये पर्व प्यारा, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा अनन्य, बहुत अच्छा बोला आपने और इतने अच्छे से आपने समझाया कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमको कैसे बांधता है और हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वी आर प्राउड ऑफ हैविंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी नाइस, बहुत अच्छा अनन्या। थैंक यू मैम। नाउ वी गो टू विधान फॉर अ सॉन्ग। यस विधान, लेट्स हियर योर मेलोडियस सॉन्ग। मैम, मेरा नाम विधान जैन है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ और मेरा रोल नंबर है 70231। आज मैं एक देशभक्ति गीत गाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है देश प्रेमी। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच कम पूजन फेंको, जिद के पीछे मत डरो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती सबकी माता है, सोचो आपस में अपना नाता है, हम बैठे तो देश कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, दीवानो होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मीठे पानी में ये जहर ना तुम बोलो, जब भी कुछ बोलो सोच के तुम बोलो, मर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं बनता जो बना हो कड़वी बोली से, तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों,
मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और हमें बहुत ये जो इसे गाना गाया तो बिल्कुल बिल्कुल सटीक बैठता है, टू द पॉइंट कि देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो और बाहर के लोग हमारा फायदा ना उठा ले, है ना। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और नफरत नहीं करना चाहिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए, और प्लांट से प्यार करना चाहिए, अपने एनवायरमेंट से प्यार करना चाहिए, हमारा है एनवायरमेंट, है ना। सो थैंक यू विदान, इट वाज अ लवली बिट। ओके नाउ पूर्वी, पूर्वी आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर थॉट्स इन इंग्लिश विद ऑल ऑफ अस। ओके मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज पूर्वी जैन एंड आई स्टडी इन क्लास 7B। As we all know, we have assembled here to commemorate the 72nd Republic Day of our nation. Republic Day, celebrated every year, has placed a special significance throughout the India's entire existence. Consistently, the national occasion is celebrated with lots of joy and bliss to make the occasion happy and memorable. It was 26 January 1950, the Constitution of India came to impact, and the day is celebrated as a national day to commemorate the event with lots of joy and bliss. As we all are aware that India got its independence on 15 August 1947, yet the country didn't have its very own constitution. Rather, it was represented under the laws executed by the British. Nonetheless, after so many consultations and revisions, an advisory group headed by Dr. B.R. Ambedkar presented a draft of the Indian constitution. It was adjusted on 26 November 1949. And authoritatively become effective on 26 January 1915. Republic signifies the power which is supreme. The principal Republic Day festival held at National Capital, New Delhi, at Rajpath, in the presence of President of India, with the gathering of a large number of people from India as well as from other nations to commemorate the event and celebrate the enthusiasm and of the day. On this day, ceremonious processions happens at the Rajpath, which are proceed as a tribute to the India. The festival begins from the doors of the Rashtrapati Bhavan. Raisina Hill on Rajpath, past the India Gate, is the fundamental attraction of the Republic Day. This is followed by different dignitaries present at the Rajpath to commemorate the event. The President, Prime Minister, and other high authorities of the India are included in the list of dignitaries. As a part of a festivity, India facilitates a state or a head government of another state of another nation as a state guest of respect for Republic Day celebration. This is followed since 1915. On this day, honors are offered away to legates which have devoted their life to the nation. Republic Day march is an unmistakable, eye-catching part of the whole Republic Day celebration, as it grandstands the defense capability of India, social and cultural heritage. Every school, college, university, etc. celebrates Republic Day with lots of enthusiasm. This is the day all of enthusiasm, energy, understanding, sacrifices, and hugely celebrating for our freedom. Thank you. Have a nice day. Lovely. Purvi. Wonderful.